नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज माड़ा की जो आने वाली लॉटरी है उसके ऊपर बात करेंगे, और जो डिपॉजिट अमाउंट होता है जब हम कोई भी लॉटरी के लिए अप्लाई करते हैं उसका जो अमाउंट होता है डिपॉजिट अमाउंट, उसको लेके एक बड़ा अपडेट है, उसके ऊपर विस्तार में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि माड़ा की जो आने वाली लॉटरी है वो कोंकण बोर्ड की होगी। जी हाँ, कोंकण बोर्ड की होगी। कितने घरों की लॉटरी है उसके ऊपर पूरा डिटेल में विस्तार में बात करेंगे, और ये जो अपडेट है मनी डिपॉजिट को लेके जो पहले आवेदन करते हैं उसके ऊपर पूरा डिटेल विस्तार में बात करेंगे। पर हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए व्यूअर्स आए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मास हाउसिंग से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं, चाहे सिडको हो, माड़ा हो या फिर और कोई इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचना जरूरी हो, उन सब के वीडियो इसी मन से बनते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए बात करते हैं जो कोंकण बोर्ड की जो लॉटरी आने वाली है उसका जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको लेके एक अपडेट है, वो आप लोगों तक मैं बता दूं। देखिए, जब भी हम कोई भी लॉटरी का आवेदन करते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो डिपॉजिट अमाउंट है वो भरना पड़ता है, और उसके मद्देनज़र हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ हमको अप्लाई करना है और कहाँ नहीं अप्लाई करना है। इसमें जो बड़ा अपडेट आया है वो आपको बता दूं कि कोंकण बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है माड़ा को, और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि माड़ा की ये जो आने वाली जो लॉटरी होगी वो कोंकण बोर्ड की लॉटरी होगी, उसमें एक बदलाव किया जाएगा कि ये जो डिपॉजिट अमाउंट होता है उसको आधा किया जाए। जी हाँ, आधा किया जाए, और ये प्रस्ताव भेज दिया गया है माड़ा के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं उनको भेज दिया गया है, और इस प्रस्ताव को मंजूरी आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है वो आपको मैं बता दूँ। जब भी हम डिपॉजिट अमाउंट भरते हैं कोई भी घर के अप्लाई के लिए, लॉटरी के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एप्लीकेशन नहीं, हम दो तीन एप्लीकेशन भरें ताकि जो हमारी जो चांसेस है लॉटरी लगने के वो ज़्यादा हो जाए। पर जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और उसके मद्देनज़र हम एक ही जगह एप्लीकेशन भर पाते हैं, और फिर वहाँ जो दूसरी जगह जो हमारा चॉइस है वहाँ हम नहीं भर पाते हैं। तो इसी के मद्देनज़र आने वाली जो कोंकण बोर्ड की जो लॉटरी होगी माड़ा की, उसको इसको देखते हुए ये जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको आधा करने का निर्णय लिया गया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन खबर है, जो भी आने वाली जो लॉटरी है माड़ा की कोंकण बोर्ड की उसमें अप्लाई करेंगे उसके लिए आप एक से ज़्यादा आवेदन कर पाएंगे, ज़्यादा मल्टीपल लोकेशंस में आप फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डिपॉजिट अमाउंट है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। दोस्तों जो डिपॉजिट अमाउंट है उसकी बात कर ले तो किस तरह से इसका पूरा जो डिवाइड किस तरह से किया गया है उसके ऊपर बात कर ले तो बता दूँ, जो EWS कैटेगरी होती है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी होती है, उसमें हम सबसे पहले 10,000 रुपये भरते थे, उसका जो ये जो बदलाव होगा उसके बाद आपको 5,000 डिपॉजिट अमाउंट भरना पड़ेगा। और जहां तक LIG कैटेगरी की बात करें, जो लोअर इनकम ग्रुप की जो कैटेगरी होती है, उसके लिए हम 20,000 डिपॉजिट अमाउंट भरते थे तो उसके लिए 10,000 डिपॉजिट अमाउंट भरना पड़ेगा। वहीं जो MIG जो मिडिल इनकम ग्रुप की जो कैटेगरी है उसके लिए हमको 30,000 रुपये भरने पड़ते थे तो उसका भी आधा कर दिया गया है, 15,000 रुपये उसके जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको भरने पड़ेंगे। और जहां तक HIG जाए यानी कि हायर इनकम ग्रुप की जो कैटेगरी है, उसके लिए हम जो डिपॉजिट अमाउंट भरते थे पहले वो 40,000 रुपये भरते थे तो उसको भी आधा करके 20,000 कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया है डिपॉजिट अमाउंट, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके पीछे एक रीज़न, एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो माड़ा की जो 4,082 जो घरों की लॉटरी थी उसमें जो रिस्पांस जो माड़ा को मिलना था उस हिसाब से नहीं मिला है, क्योंकि 1,40,000 या फिर 1,20,000 के लगभग जो एप्लीकेशंस जो आवेदन आए थे उनका जो अनुमान था वो था 2,00,000 से 2,50,000 तक जो एप्लीकेशन आए, पर वो नहीं आए क्योंकि इसका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा था। इसी के मद्देनज़र ये डिसीजन लिया गया है। तो ये एक ऑफिशियल तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि माड़ा के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, और बाकायदा इस पूरी जो आवेदन जो भेजा गया है कोंकण बोर्ड की तरफ से ये माड़ा को भेजा है, और काफ़ी बड़ी राहत की बात होगी जो एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं लॉटरी में। ये जो चेंजेस हैं, ये जो आने वाली जो लॉटरी है माड़ा की जो कोंकण बोर्ड की है उसमें ये एप्लीकेबल होगा, उसमें ये लागू होगा। दोस्तों ये था अपडेट जो डिपॉजिट मनी है उसको लेके। आइए अभी बात कर लेते हैं जो आने वाली जो लॉटरी है माड़ा की उसके ऊपर लेके बात कर लेते हैं। ये कोंकण बोर्ड की लॉटरी होगी, और इसमें कुल जो घर होंगे वो 4,000 के लगभग घर होंगे। जो माड़ा की जो कोंकण की जो लॉटरी है वो आने वाले जो कुछ सितंबर या फिर अक्टूबर का जो महीना है उसके दौरान ये लॉटरी का अनाउंसमेंट किया जाएगा, और इसमें ज़्यादा से घर जो होंगे वो वसई विरार के होंगे। कम से कम 1,600 घर वहाँ पे जो रिजर्व रखे गए हैं वो
उस एरिया में होंगे, वसई और विरार में। तो दोस्तों ये था अपडेट कोंकण बोर्ड को लेके और जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको लेके। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम यहाँ बनाते हैं, तो ऐसी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए व्यूवर्स आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।